अगूणी MNA ऐं अगूणी MPA सूबाई वज़ीर भी रही चुकी आहे। रुबीना क़ाइम ख़ानी रतेदेरे जे जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जा उमेदवार आहिनि उन्हनि जे लाइ चूंड मुहिम में निकिती आहे ऐं उनखां मालूम कंदासीं त हीअ मकानी चूंडुनि जे हवाले सां कहिड़ो रिज़ल्ट मिले पियो ऐं चूंड मुहिम दौरान जॾहिं हीअ रतेदेरे जे मुख़्तलिफ़ डोर टू डोर वर्क कई आहे त माण्हुनि जी कहिड़ी मोट मिली आहे। आज हम जैसे निकले थे रतोडेरों में और डोर टू डोर गए और लोगों का जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक जो है वो दिली लगाव है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी एक उनसियत है, उनके साथ उनकी एक मोहब्बत है। और उसी तरह से जो है जहाँ पर भी हम गए लोगों ने जो है वो बीवी शहीद के बेटे का साथ देने का वादा किया हमसे। और इंशाल्लाह जो अभी इलेक्शन है 26 को, इंशाल्लाह जो है वो तीर पे ही ठप्पा लगेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही जीत होगी। ये हमारा घर है रतोडेरो, हमारी जो है वो ख़ास तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का घर है लड़काना। यहाँ से जो है यहाँ के लोगों की एक अलग ही उनसियत है बीबी शहीद के साथ और उसको मैं समझती हूँ कि कोई भी आमिर आए, कोई भी जो है वो झूठे वादे दिखाने वाले, जो जिस तरह से अभी पिछले दिनों PTI का आपने देखा कि जिस तरह से हशर हुआ है और इमरान खान साहब ने जो 4 साल अपनी दौर में एक धैर्य का भी काम नहीं किया, ना ही लोगों के को जो है वो पूछा, ना ही नौकरियाँ दी, जिन्होंने वादे किए थे कि हम जो है वो IMF से कर्ज़ा नहीं देंगे, जिन्होंने वादे किए थे कि हम जो है वो कशकोल तोड़ देंगे, जिन्होंने वादे किए थे कि अगर करप्शन हुई मेरी हुकूमत में तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, जिन्होंने कहा था कि अगर हम IMF के पास गए तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, और इस तरह की जो बातें और जो झूठी झूठे ख्वाब जो दिखाए पाकिस्तान की आवाम को, आप देख लें कि आज जिस तरह से हम गए हैं सारी जगह और उधर लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही साथ देने का वादा किया है और इंशाल्लाह वो लोकल बॉडीज़ में ही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी ही, और जो है जनरल इलेक्शन जो अभी आने वाला है उसमें भी जो है वो तीर की जीत होगी, बेनज़ीर की जीत होगी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बिलावल की जीत होगी इंशाल्लाह। जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो उसमें ये तासुर दिया था कि बहुत महंगाई हो गई है। अब इस हुकूमत ने तो PDM की हुकूमत ने और ज़्यादा जो है तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया, तो लोग तो निचले तबके के लोग हैं वो तो परेशान है। किस तरह से जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी या ये हुकूमत सर्वाइव कर सकेगी फर्दर? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और मैं ये कहूँगी कि निचला तबका ही नहीं, एक होता था हमारे हम बात करते थे मुतवस्त तबके की, मुतवस्त तबका जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और आप देखें कि जो 4 साल कारकर्दगी और जो हम कहते थे इनकॉम्पिटेंसी, जो हम कहते थे नाअहली, वो उसकी वजह यही थी कि ये जो लोग आए इमरान खान और उसकी जो नाअहल टीम आई, उसने ये जो है वो मतलब कोई प्रैक्टिकली काम ही नहीं किया। उन्होंने उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं था, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, उनके पास ये कोई भी इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं थी कि जिसमें वो लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ दे सकें, उनको जो है वो सहूलियात दे सकें। अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा और महंगाई में इजाफ़ा, ये एक इंटरनेशनली जो है वो मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया में ही इसके असरात हैं और बहुत ज़्यादा जब भी हम अपने कोई भी फॉरेनर दोस्त से या किसी से बात करते हैं तो वो भी इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं महंगाई के हवाले से। ये चीज़ें जो है वो अगर इमरान खान साहब जो जिस तरह से इन्होंने कोशिश की, जबकि इन्होंने कोई सहूलियात भी नहीं दी, अद्वियात थी वो महंगी थी, खाना पीना था वो महंगा था, आटे की कीमतें जो है वो उसी तरह से आसमान पे जा रही थी, तो अगर वो ग्रेजुअली जो है वो अगर प्राइस को बढ़ाते तो मतलब 10 रुपया करके, 5 रुपया करके, तो आज ये नौबत नहीं आती। और डॉलर की कीमत भी जो है वो इस कदर जो है वो रुपए की कीमत जो है वो नहीं गिरती कि वो डॉलर के मुकाबले में, तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए रोना रोते रहे वो जो 4 साल जो हमने कहा कि ये नाअहल है, ये नाअहल है। और फिर जो है वो क्योंकि अगर अभी भी अगर इमरान खान साहब को नहीं हटाया जाता तो हम जो हमारा जो हाल होना था वो श्रीलंका जैसा होना था। कुछ ही अरसे बाद जो है वो
क्योंकि सब्सिडी आपने देखा होगा कि आप कितने देर तक जो है लोगों को मसनूई सब्सिडी दे सकते हैं। मसनूई सब्सिडी दे जब देंगे तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि वो फिर वर्स्ट की तरफ चला जाता है और ज़्यादा जो है मुश्किलात की तरफ चले जाते हैं। IMF ने जिस तरह से स्टेट बैंक, किसने गिरवी रख पाया? इमरान खान की हुकूमत ने। आप देखें उनके शौकत तरीन के इंटरव्यू आप सुने कि वो जिस तरह से कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत में, मतलब अभी ये अगर हमने नहीं किया तो ये होगा, इस तरह से वो सारा। अब उनका माजी का अगर आप इंटरव्यू सुने तो ये कड़ियाँ जो है वहीं से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कौन पार्टी चाहेगी कि इन हालात में, क्योंकि इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होने हैं, इन हालात में जो है वो क्या कहते हैं कि हुकूमत ले लें। आप देखें कि हम पे इल्ज़ाम भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हमसे नाराज़ भी होते हैं कि जो है वो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जिन्होंने बातें की, जिन्होंने जो है वो जुमले कसे, हम उनके साथ बैठे हैं। हम उनके साथ क्यों बैठे हैं? आप देखें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो COD साइन किया था। वो सारी जो इंतकामी सियासत जो उन्होंने भुलाई और वो एक नई जो है बुनियाद रखी, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो लीडर थी, वो इस तरह की फजूलियात और वो एक कैरेक्टर एसेसिनेशन या किसी की ज़ात पे बात करना पसंद भी नहीं करती थी। हमने उन सब चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुल्क की बड़ी जमात है, हमने बड़े होने का सबूत दिया और हमने तमाम उन बातों को भुला के COD साइन किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। आज उनका बेटा भी वही चीज़, वही उनकी पार्टी भी, उनकी टीम भी वही उनका विजन आके लेके बैठी है कि अगर मुल्क को ज़रूरत है तो हम जो है वो हमारी मुखालिफ सियासी पार्टीज़ के साथ बैठ सकते हैं। हमें जाहिर सी बात है, अगर आपकी माँ को अगर कोई बात कहता है तो किसको बुरा नहीं लगता, लेकिन मुल्क हम सबसे पहले है हमारे लिए। अच्छा, बिलावल साहब को तो आप वज़ीर आज़म देखना चाह रहे थे, तो अभी वो वज़ीर ख़ारजा बन गया है, जिसको शहबाज शरीफ को घसीटा जा रहा था गलियों में, उसके साथ फाइलें लेकर घूम रहा है, तो ये किस लगता है पार्टी में या आम लोगों में ये तासुर कैसे जाएगा? लेकिन जिस तरह से मैंने कहा ना कि हमने उन तमाम बातों को भुलाया है, मुल्क जिस तरह से इमरान खान जिन हालात में छोड़ के गया है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जैसे कहा कि श्रीलंका से बदतर हालात हमारे हो सकते थे। अगर आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त हर कारकुन, हर वर्कर कह रहा था कि हम इस पाकिस्तान को, मतलब को हर जगह को, हर गली को जो है आग लगा दें। मेरे अंदर खुद एक जज्बात, मतलब हम लोगों को, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें इस वक्त। तो उस वक्त पाकिस्तान खपे का नारा किसने लगाया? आसिफ अली जरदारी साहब ने। और आसिफ अली जरदारी साहब खुद कहते हैं कि मैंने सीखा है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कि किस तरह से मुल्क को चलाना है, किस तरह से मुल्क के इश्यूज़ को लेके चलना है। वो उनका विजन, बिलावल भुट्टो उसी तरह से उनके विजन को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं बनना चाहता। अगर बात करते हैं आप हुकूमत की, तो हुकूमत कौन नहीं ले रही, यही हुकूमत हम भी ले सकते थे। हमने जो है वो ठीक है, एक बड़े दिल का वो किया, कोलिशन कहा, कोलिशन जमात बनाई। बिलावल भुट्टो आप देखें कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी तो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो सियासत में नहीं थे ना। वो अगर सियासत में तो बाद में वो एक चीज़ आप, मैं ये कहूँगी कि आप जो है छोटे उससे आप सीखते हैं ना, कि अगर मैं मुझे काउंसलर शिप का नहीं पता होगा तो मैं MLA बन के क्या करूँगी। मुझे अपने इश्यूज, मतलब आपने सीखने होते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि पहले बिलावल साहब को पता नहीं था, अब वो सीखेगा? नहीं, ये कहने का मकसद नहीं है। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से एक आप जब फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे तो आपको एक इंटरनेशनल लॉबी के साथ आपके जो है वो होगा। और आप देखें कि अभी जो मैं ट्विटर, सोशल मीडिया, हमारे दुश्मन भी अब जो है वो तारीफ कर रहे होते हैं कि बिलावल भुट्टो ने वाकई प्रूव किया है कि वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। और जिस तरह से आप देखें, आज ईरान गैस पाइपलाइन का उन्होंने जो है वो दोबारा से वो रीन्यू हुआ है चीज़ें, आप देखें कि जिस तरह से वो IMF के पास गए हैं, जिस तरह से फटेब से जो है वो हमारा नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकला है, तो ये किसको जाता है? ये एक
35 साल का मैं कहूँगी कि नौजवान है जो 70 साल के बाबे नहीं कर पाए, जो जो आज अगर मतलब जी उस मैं कहूँगी कि उस नौजवान का जो है वो आप वो विज़न देखें कि किस तरह से वो जो है इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के हर फोरम पे जो है वो बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें और अगर जब यही आप सोचें कि जब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है उस वक्त देखें कोई भी चीज़ आपका एक्सपोजर हो, आप कहीं जाते हैं आप कुछ किसी ना किसी चीज़ से सीखते हैं। मैं आज आपके घर आई हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगी। ये एक मतलब आपका रतोडरों में घूमा फिरा तो बहुत से घरों में आप गई तो हर घर में नाराज़गियाँ भी होती है। कौन सी नाराज़गी ज़्यादातर आप लोगों ने बताई कि हम इस वजह से नाराज़ हो? देखिए जब आप इलेक्शन होते हैं तो क्योंकि सारे लोग आपके लाडले होते हैं और आपके मुंतज़र होते हैं, आपके आप मतलब एक पार्टी का रिश्ता होता है। हम दुख सुख हर चीज़ में चले हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो उसने जिस तरह से स्ट्रगल की है इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो उसकी नाराज़गियाँ बजा होती हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास आ जाएं, आप हमसे फ़ोन पे बात कर लें, आप हमारे और उनके छोटे छोटे इश्यूज़ भी होते हैं तो वो अगर उनके सुन लें, जैसे लाइक मीन्स कि उनके घरों में किसी की शादी है, किसी की का मरना है, उस पे जाना आना, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ एक घर के आपके एक फैमिली के अंदर जो है वो चीज़ें होती हैं जो आप उसको आपको आपके अपने बहन भाई भी समटाइम्स इस तरह के जो है शिकायतें कर रहे होते हैं, तो ये वही शिकायतें हैं। नाराज़गी क़यादत से थी या मकामी पार्टी से थी? नहीं, क़यादत से उनको कोई जो है वो नाराज़गी नहीं थी। और अब जहाँ हम जाते हैं जी भुट्टो का जी बिलावल का जो है वो नारा लग रहा हो तो मकामी लोग जो जाहिर सी बात है आपस में इंसान है ना, कोई भी किसी भी वक्त किसी चीज़ पे इख्तलाफ़ राय हो सकता है तो वो जायज़ होता है। ये मैं समझती हूँ मैटर नहीं करता, इनको सुनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ख़त्म करें इन चीज़ों को, इश्यूज़ को। बाकी ये एक रूटीन की चीज़ें हैं, ये मेरी माँ के साथ भी मेरी बात हो सकती है, मुखालफत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मेरे बेटे के साथ भी, मेरी बहन के साथ भी, मेरी बेटी के साथ भी, किसी बात पे भी, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अभी ख़त्म हो गई नाराज़गी जी? काफ़ी सारी चीज़ें जब आप जाते हैं आप मिलते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि आप मिलते रहें तो लोगों के आपस में आपकी मोहब्बत भी बढ़ती है और आपका गुस्सा या किसी चीज़ पे नाराज़गी वो भी ख़त्म होती है। तो बिल्कुल जाने से आप मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा और लोग खुश हुए होंगे और काफ़ी मैं समझती हूँ कि दोबारा से उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे या जो भी बात थी उनकी वो नाराज़गी ख़त्म हुई।